अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इसी के साथ अपना आज का नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आज फिर वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट करी जहाँ से मैंने कल स्टार्ट किया था। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ आज हम लोग अभी कहाँ पर जा रहे हैं। हाल जा रहे हैं और आज जो डे है वो मैं आपको बता दूँ कि आज मंडे है और आज अभी हम लोग सुबह 10 का टाइम है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर फास्ट G10 जो है ना मरकज, वहाँ पे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आज हॉस्टल का जो नाश्ता ना उसमें थी ब्रेड और साथ जैम था, तो वो इतना कुछ अच्छा नहीं होता। और दूसरा आप डेली का वही नाश्ता कर कर के एक जैसा ही आप बोर हो जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि वहाँ से जाकर आज नाश्ता कराते हैं। तो नाश्ता मैं आपको दिखाऊँगी, हम करेंगे पराठे और चने का। तो पहले भी 2-3 दफ़ा हमने ट्राई किया है, इनका नाश्ता काफ़ी अच्छा होता है, तो आज भी वहाँ से ही करेंगे। और दूसरा चाय जो है वो आप हॉस्टल में बना लेंगे, क्योंकि कल घर वालों ने हमें जो है वो दूध की बोतलें भेजी हैं। तो एक तो पहले मैं यूज़ करी थी ऑलपर्स का और दूसरा एवरीडे का, तो दोनों का ही आपको पता है टेस्ट बहुत ही गंदा होता है। ऑलपर्स का तो जी भी केमिकल्स वाला टेस्ट होता है और एवरीडे भी नहीं अच्छा होता, लेकिन जो दूध की चाय होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। तो आज मेरी जो दूसरी फ्रेंड है उसका गला भी ख़राब है, तो हम लोग जो शांदा वगैरह भी लेंगे, एक दो और भी चीज़ देने वाली, और फिर हॉस्टल में आके चाय बनाएंगे और हॉस्टल में ही चाय पियेंगे। तो भी फिलहाल हम लोग चलते हैं। हम लोग चप्पल ही पहन के आए हैं क्योंकि हमने जो था वो पास ही धमाकी जाना है जी। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इस होटल पर पहुंच चुके हैं, हमें इसका नाम जो है वो क्वेटा होटल है। तो अभी यहाँ से हम लोगों ने, मैंने आपको जैसे कि बताया कि पहले भी एक दो दफ़ा नाश्ता किया हुआ है और यहाँ पे हॉस्टल में भी हम लोग पैक करवा के लेके गए हैं। तो अभी हमने भाई से कहा है कि आप हमें जो है वो 2 पराठे लगा दें। तो अभी मैं आपको ये सारी वीडियो दिखाती हूँ, क्योंकि उन्होंने पेड़े पहले का के रखे होते हैं, उनके लिए ईजी होता है। उन्होंने उसको मतलब जिस तरह आप कहते हैं ना कि बोलो वाला पराठा होता है, तो उस तरह उन्होंने पेड़ा करके रखा होता है और उस टाइम पे फिर वो बेल लेते हैं। तो नेक्स्ट आप देखें कैसे बनाते हैं ये। तो इनके पास एक वो एक चीज़ भी थी जिसे प्रेशर लगा के ना उसके ऊपर उसका डार्क कलर लेके आते हैं पराठे पे, और दूसरा ये कि उससे बड़ा कोकना सा हो जाता है, क्रिस्पी सा। जी ये है वो जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि जिससे ये डार्क कलर लेके आने के लिए ना पराठे के ऊपर इसको ये यूज़ करते हैं, तो इससे कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। और ये दोनों साइडों पे फिर इसी तरह ये प्रेस करते हैं। जी अब है बारी नाश्ता करने की। तो फ़िलहाल भाई जो है हमारे पराठे वो ले आए हैं, और ये हमने 2 पराठे मंगवाए थे। और दूसरा हम लोगों ने भाई से ये कहा था कि हमें ना, पहले तो आपको पता मैं ये कह रही थी कि पहले इरादा नहीं था कि हम यहाँ पे चाय भी पिए, क्योंकि पहले ट्राई नहीं की थी। अमूमन जो होटलों की चाय होती है वो पानी वाली होती है, तो अगर आपको दूध पत्ती पीने की आदत है तो आप वो चाय जो है ना वो नहीं पी सकते। तो हमने फिर भाई से कहा कि हमें एक कप आप चाय भी ला के दें और उसका बताएं कि चाय का क्या तरीक़ाकार है। तो भाई ने फिर बड़े मज़े की बात की, वो कहते हैं हमारे पास 2 चाय हैं, एक है 50 वाली चाय और एक है 80 वाली चाय। तो हमने कहा इन दोनों में क्या फ़र्क है, 50 वाली और 80 वाली? ये तो पता था 50 वाली में पानी होगा ज़्यादा और 80 वाली में चलो थोड़ा उससे नस्बत में कम होगा, पर होगा ज़रूर। तो भाई से जब हमने कहा तो वो कहते हैं 50 है जी चाय जो पीता है आम आदमी और 80 वाली चाय जो पीता है इमरान खान। तो ये जो भाई की बात है ना, एक सेंटेंस ये बहुत ही हंसने वाला था, हमें बड़ी हंसी आई कि भाई ने असल में आप देखें ना जितने भी होटल वाले होते हैं इन्होंने कोई ना कोई इस तरह के सेंटेंस, इस तरह की चीज़ें जो अपने पास रखी होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने पास ले के आने के लिए या अपनी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ना फेमस करने के लिए। तो इनका भी ये एक तरीका था कि एक है जी 50 वाली जो आम आदमी पीता है और एक है जी 80 वाली जो इमरान खान पीता है। तो है इनकी, और दूसरा इनमें ज़्यादा डिफरेंस क्या था कि जो 50 वाला है वो कप भी इनका चेंज होता है, वो दूसरा लोकल सा एक आम सा आप देखते हैं जो ढाबों पे कप होता है वो वाला होता है,
और 80 वाले में वो आपको अच्छा कप दे रहे हैं। ये जी हम लोग अभी आए हैं वहाँ से नाश्ता करके, एटीएम में से पैसे निकाल लेंगे। तो ये अभी जो हमारे पास एटीएम कार्ड है ये तो यूबीएल का है, तो ये बैंक एचबीएल के एटीएम में हम लोग आ रहे हैं। इसमें बता तो कुछ जो पैसे हम करते हैं, असल में जो उसका ना यूबीएल का बैंक वो बहुत दूर है, तो वहाँ तक पैदल हम लोग वहाँ पर चले जा नहीं सकते, तो अभी हम इधर से अमाउंट निकलवा लेते हैं। यहाँ पे अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी की वो एक साथ प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे भी भेजती है, तो अभी यहाँ पे वो आंटी है कहीं जो मेरे आईडी कार्ड पे आप देखें पैसे आए होंगे, तो कभी कहीं जो 12,000 आ जाता है, कभी 5,000, तो अभी हमने उनका चेक किया डाल के जो है वो LIC नंबर, तो उनके नहीं आए पैसे, तो फिलहाल अभी हमारे पैसे आ चुके हैं। तो पहले कार्ड अपना बाकी निकालते हैं, उसके बाद अपनी अमाउंट यहाँ से पकड़ते हैं। ये हमारे पास ये हमारी जो है वो रिसीट भी है, अब अकाउंट में जो है वो मेरे यहाँ से 1500 है, तो ये बस लेके चलते हैं। कितने निकालने लगे आपको कौन से? अभी जी जो 500 रह गए अंदर अकाउंट में वो भी निकालने लगे हैं, क्योंकि असल में ये जो अकाउंट है ना इसके ऊपर उन्होंने अपनी बैंक से ली दी है गाड़ी, तो वो फिर अगर आप मंथ में पैसे रखें ना तो नेक्स्ट मंथ वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं, तो फिर हम लोग 500 भी अभी विड्रॉ कर लेते हैं, इधर रखने का तो फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर तो 500 में वो भी कर ही नहीं, तो फिर रहने देते हैं, अपना कॉल लेते हैं और चलते हैं। ये अपने पैसे निकलवा लिए मैं, और अभी हमने एक दो चीज़ लेनी है, इजी पैसा पे भी हमने जाना है, वहाँ से हमने लेनी है इजी पैसा, पैसे निकलवाने हैं तो वहाँ पे भी चलते हैं। अभी फिलहाल जो अभी हमारा कार्ड जो है वो HBL के अंदर ही स्टॉक हो गया ATM में, तो जो वही गार्ड अंकल बैठे हैं वो कह रहे हैं वेट करें ये खुद ही आ जाएगा वाली, तो अभी वेट करते हैं। फिलहाल मुझे तो ये पिछले बैंक वालों ने स्टॉक कर दिया कहीं वीडियो बनाने की वजह से, पर ऐसा नहीं है, आप देखें कब तक आता कार्ड। ये देखिए हमारा कार्ड वापस आ गया, अलहमदुलिल्लाह। चलें जी अब चलते हैं। हमने जी इतनी बड़ी शॉप से बस अपने काम की चीज़ों ले ली हुई है, सेंट लाइन हमारी ख़त्म हुई थी, और अब हम ऐसे घूम फिर रहे हैं देख रहे हैं चीज़ें। साथ हमें ये फ्रिज बिस्किट मिले हैं, ये भी सारा पैक लेने लगी है, और बाकी वहाँ पर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है और चीज की बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल हम ये ले रहे हैं अभी तक, आगे देखें कुछ लेते हैं कि नहीं। मग भी कितने हैं, ये कितना जी। तो फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं यहाँ से। एक तो लिए हैं टेंडर पॉप्स, फिर हमने लिए शामी कबाब, उसके बाद नगेट्स जिसमें 43 to 45 पीसीज होते हैं, पिंट्स बिस्किट्स, उसके बाद सेंसोडाइन जो हमारी ख़त्म हुई थी, और पार्टी भी, उसके बाद हम लोगों ने योगर्ट भी ली थी, और ये जो चीज़ें फ्राई वाली हैं ये आमतौर पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं हॉस्टल में, जब आपका खाना खाने को दिल ना करे वो हेल्प होता ही ऐसे असल में जो आप नहीं खा सकते। फिलहाल करवाते हैं बिल, और इसमें GST भी आपको पता है बिल में बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती है अब तो। तो हमारा जो टोटल बिल है मैं आपको बताती हूँ, वो था तकरीबन 2,848 रुपये। अब तो आप छोटी सी भी चीज़ लेने चले जाएँ मार्केट में तो आपका बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि इसमें जो खासतौर पर मिडिल मैन है उसको बहुत नुकसान होता है, उस हिसाब से आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ नहीं हो रही होती, लेकिन बिजनेस मैन जो उनको फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी प्रोडक्ट भी आगे कॉस्टली सेल हो रही होती है। तो अभी ये देखते हैं आगे नेक्स्ट हम क्या करते हैं। इजी पैसा भी हमने जाना है, पर वो एक शॉप पे हमने पता किया था वहाँ पे नहीं था इजी पैसा उनके पास, तो वो दूसरी शॉप पे वो बता रहे थे और वो दूर बहुत थी। तो नेक्स्ट देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि करने वाले काम तो हमारे 2-4 थे जो इम्पोर्टेंट हमने कर लिए हुए हैं। जी
जी तो अभी फिलहाल बाजार से सारी चीजें लेके घूम के कोई घंटा नाश्ता करके और नाश्ता हजम करके भी आप समझ लें वापस आ रहे हैं। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा लेने वाली थी, साथ नगेट्स वगैरह दूसरी चीज़ें भी ले ली जिनका नहीं था पहले प्लान किया हुआ, और साथ जो फ्रेंड है रूम में रहती है उसका भी नाश्ता लिया आते हुए। और इजी पैसा बस हम लोगों ने नहीं निकलवाया क्योंकि वो हमें मिला नहीं है, जो पास था वो वाले कह रहे थे कि हम जो हैं वो मैसेज पे निकालते, मतलब आपके पास मोबाइल होना चाहिए, और मोबाइल हम लोग हॉस्टल में छोड़ गए हुए थे। तो अभी चलते हैं हॉस्टल, और ये जो चीज़ें हैं सारी ये फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रीज़र में रखना भी एक टास्क है क्योंकि सारी लड़कियों ने चीज़ें रखी होती है फ्रीज़र में और जगह बिल्कुल भी नहीं होती फ्रिज और फ्रीज़र में, तो आपने अपने माइंड के साथ ही जगह बनानी होती है। तो देखें अभी हमारे साथ क्या सलूक होता है। फिलहाल हम लोग आ गए हैं यहाँ ब्रिज तक जी, तो अभी हम लोग हॉस्टल में आ चुके हैं। मैं जैसे कि आप देख सकते हैं, अब हम लोग फ्रीज़र के अंदर कोशिश कर रहे थे चीज़ें रखने के लिए जगह बनाएं, तो चीज़ें ऐसे ही इधर उधर सबने फेंकी होती हैं, तो अभी हमने सीधा किया तो कुछ जगह बन गई हुई है। तो अगर आपको आज की वीडियो ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।